बारे में ही पता ही है। बचपन से लेकर जब आप जिम्मेवारी निभाने लायक वो दौर कैसा गया? बचपन से तो हम करीब 7-8 क्लास से मैंने शुरुआत जो की है काम धंधा की, ईटा बालू जो हम अपना परिवार के लिए मैंने सब छोटा छोटा भाई सब। और पहले तो हम अपने ननिहाल में रहते थे, उसके बाद आए यहाँ अपना गांव जो अदलाती बड़वाती अदलाती बना गया, यहाँ आए उसके बाद अपना काम धंधे में हम लगे 7-8 क्लास मैंने पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई आप क्यों नहीं कर पाए? हमारे जिस बाबा तो एक शुरू से मैंने वही कुली मजदूरी जो काम एक शुरू से कर रहे हैं, जो भी घर का मैंने खेती बाड़ी कुछ कुछ पहले तो आज पहले हम लोग भी कुछ कुछ अपना भी खेती था उसको भी करते थे। बाबा तो एक शुरू से मैंने मजदूरी कुली मजदूरी करते थे और हम लोग 4 भाई थे, अब बड़ा लड़का हम आप लोग, इससे कि बाबा को भी हम लोग मैंने सहयोग हम उस समय से फिर हम करीब हम पढ़ाई छोड़े उसके बाद शादी किए है ना, शादी किए उसके बाद हम अपने काम धंधा में लग गए, ईटा बालू हम भी मिस्त्री। मतलब घर का जो देही आपको भी लगा कि मतलब हम जब नहीं काम करेंगे तो मेरे और भाई हैं परिवार का खर्च नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद में आपने वो कारोबार करना शुरू किया? हाँ, ईटा बालू हमने हम किनारे मार्बल लाइन का मैंने मिस्त्री थे हम, कुछ खेती करते ईटा बालू के सप्लायर भी करते थे, जब आप फिर सप्लायर करते थे उसी से हम लोग का रोजी रोटी मतलब फूल मिलाकर रोजी रोटी चलने रही। उसके बाद जब बस आगे फिर अपना बहुत सारे जैसे कि काम करते करते हम कुछ मार्बल डालना का ठेकेदारी करते थे, मिस्त्री थे ना हम पहले राजमिस्त्री जैसे कि टाइल्स मार्बल मैंने राजे मिस्त्री, उसका भी आज भी बाबा हमारे करते हैं ये है टाइल्स मार्बल का, वही बाबा के साथ में हम करते थे वही टाइल्स मिस्त्री। उसके बाद मैं बाद में फिर ठेकेदारी भी करने शुरू किया, और ईटा बालू का हम मानी करते हैं आज भी करते हैं, ईटा बालू आज भी करते हैं, और कोई भी माने घर बना रहे हैं तो वही लड़का लोग को हम दे देते हैं उसी से अभी तो मतलब तो अभी जो काम कर रहे हैं उसको आपके लड़के लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखी अभी बता रहे हैं ना कि कोई भी काम आता है हमारे साथ कोई भी काम देते हैं तो लड़का लोग को दे देते हैं उसी से अपना दो 4 पैसा मिल जाता है उसी से अपना घर दुरा जो रोजी रोटी। अच्छा, आपके बारे में हमको ये जानकारी मिली कि आप जमीन के कारोबार में थे। हाँ तो बता रहे थे हम जमीन के माने हम तो बता रहे थे कि जमीन के काम माने जो राजीव कुमार जो एडवोकेट थे उस समय मैंने 2001 से हम जमीन के काम मैंने सीखे उन्हीं से क्या देखते देखते उनसे भी मैंने खटाल खोले थे वहाँ खटाल खोले तो राजीव कुमार जी खटाल मतलब कहाँ खोले आपके घर? हाँ घर के पास उधर नीचे साइड है वही मैंने खटाल का देख रेख मैंने हम ही लोग करते थे, तो देखते देखते हम मैंने राजीव कुमार जब थे तो वही रहते 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 मैंने बहुत सा मैंने कुछ कुछ काम देते थे ईटा बालू जड़िया का, इसी के आधार से हम जमीन के काम सीखे। उसके बाद आस्ते 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 जमीन के काम करते करते हम तो बहुत मैंने अदलातू मैंने हैलत हो गए थे कि मिस्त्री भी करता है ये लोग जो जड़ैया फड़ैया लड़का लोग टोटल काम कराता है मिस्त्री के लिए सब साथ में करता है कुछ कमाता है, जमीन के काम भी हम सीख गया। उसके बाद आस्ते आस्ते हम भी करते थे। उसके बाद किन किन लोगों को जमीन देते थे आप कैसे लोग? जमीन
जो भी एसटी का मैंने रहता था तो वही हम अपना कस्टमर देते थे। ब्रोकर लग तो बहुत था मैंने हमारे बस्ती में, तो अपना मेरे साथ में कस्टमर रहता था तो हम दे देते थे दूसरों को। उसके बाद हम जो भी हमको कुछ पैसा देता था ब्रोकर उसी से अपना चलता था हमारा रोजी रोटी, घर परिवार जितना चलाते थे। एक जगह हम पढ़े हैं किसी अखबार में कि जमीन के कारोबार, जमीन को ही लेकर उस जमीन कुरमांझी इलाके में है कहीं, उस जमीन को लेकर इनुष एक का मंत्री से आपका कुछ हुआ था? कुरमांझी में तो जैसे कि हम लोग काम चलता था, तो एक जगह कुरमांझी में काम चलता था तो वहाँ जैसे कि ब्रोकर जैसे कि बहुत सर कोई भी जाइएगा तो दूसरे ब्रोकर को मैंने जानबे करते हैं कि ये कैसे काम ले लिया है, कैसे इनसे ज़मीन ले लिया। तो ब्रोकर ब्रोकर में तो झगड़ा होबे करता है, थोड़ा मोड़ा बहस चलता है उसको कैसे काम ले लिया है, तो उसके हिसाब में उनको भगाया जाए। उस संबंध में हमसे ब्रोकर लोग से मैंने और मांझी में मैंने बहस हुआ था, तो बहस हुआ उसके बाद हम लोग सोचे कि कौन मैंने उन लोग बताया कि कोई मैंने मंत्री मैंने काम कर रहा है, तो हम मंत्री काम कर रहा तो बोले कि कैसे काम कर रहा है भाई, कोई मंत्री होगा तो मंत्री जब जमीन के काम थोड़ी करता है, उसका ब्रोकरे लोग करता है। ब्रोकर लोग सोचता था कि हम इसको हड़का दें मंत्री के आदमी तो डराए हैं धमका है, तो वही सब चलता था। कैसे तो उन लोगों से कैसे निपटे? वो कुछ कहा जाता है बताता है कि आप पहला पीआईएल जमीन को लेकर ही निपटे। पहला पीआईएल जैसे कि हर जब बहस हुआ ना हम लोग का, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ पेपर मैंने सबमिट किए, जो झगड़ा हुआ था यूनुस यूनुस का, मैंने यूनुस का आदमी लगता शायद यूनुस का की पत्नी के नाम से जमीन है जो भी मैंने पत्नी के नाम चाहे कुछ हो जाए, ब्रोकर लोग था यूनुस का आदमी जो भी, तो वही लोग से पहला बात हुआ हमारे झगड़े। इसी समय से हम लोग कुछ कुछ मैंने पेपर सबमिट किए, उसके बाद जो शुरुआत में तो भानु प्रसाद भाई का पीआईएल फाइल मतलब फाइल किया शुरुआत में, उसके बाद तो बहुत सारा मैंने डॉक्यूमेंट बहुत सा जुगाड़ हुआ। उसके बाद कभी मधु कड़ाई कमलेश सिंह का मैंने जो हम लोग किए थे, उसके बाद 2008 में बहुत सा मैंने पीआईएल हम लोग सारा पेपर सबमिट करके हम लोग फाइल किए हैं। तो वो जो पीआईएल जो करते थे तो मतलब एक तरह से आपने एक सोच उस समय ये जागृत हुई कि हमसे ये लोग उलझ रहा है इसलिए हमको लड़ना है? हाँ हाँ, हम लोग एक बार सोचे कि 2008 में एक मतलब मधुकोड़ा के जो 4000 का जो घोटाला के विषय में आया था, तो उसी दरमियान हम लोग सोचे कि कहे नहीं यही केस में हम लोग जो एनो जो बग्जा जो चला था हम लोग का, तो ये मधु कोड़ा को लेकर जो पीआईएल हुआ तो पहला पीआईएल कौन किए? पहला पीआईएल हमको भी याद नहीं कर रहा, हम ही लोग हम किए थे। ऋतु कुमार वो तो ऋतु कुमार के हम लोग केस दिए थे जो मैडम थे, मैडम को दिए थे ऋतु कुमार, हम और राजीव, आप और राजीव कुमार। तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो इतने हाई लेवल के आए वो कहाँ से आए? ये सवाल पूछता है, लोग पूछते हैं कि भाई दुर्गा जी के पास इतने हाई लेवल के डॉक्यूमेंट सीएम वो कौन? देखिए उतना तो हम नहीं बताएंगे, जो भी मैंने सहयोग किए हैं इन लोग का मैंने कुछ हम अथी किए थे, कुछ तो जानिए रहे कि वहाँ से बग्जा के
प्रमाणित चला था, सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने जुगाड़ हुआ है, जो भी हमको सहयोग की हैं उसके उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारा मैंने हम आपका ही अभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सारा PIL आपका है। हाँ, वो PIL को मैं रीड अध्ययन कर रहा हूँ इस केस को, क्योंकि ये केस बहुत अजीब रूप ले लिया है। हाँ, अभी हम चर्चा करते आ रहे थे कि ये शायद भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें न तो PIL करने वाले को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले को, न तो अभी तक सफलता मिली है और न इसके अंगे मतलब वो जो कहिए अभियुक्त हैं उसके खिलाफ कोई जांच रिपोर्ट आई है, जबकि इस देश में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। कानमा जी, वो सूजी राजा कर्माली, तो ऐसा मतलब क्या दौ पे, यही दौ पे इसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं अभी थोड़े में कि ये कौन सा है, क्या है कि न तो आपको अभी तक सफलता मिली, आपका मकसद था कि जितने लोग ये लोग जो गलत किए हैं वो उनको सजा मिले। हाँ हाँ, इनके सजा मिले और जितना इनका संपत्ति का रिकवरी होना चाहिए होना चाहिए। हाँ, आज तक रिकवरी नहीं हुआ ना, अगला आदमी CBI मैंने टोटल मैंने सबमिट मैंने देना चाहिए CBI के पक्का। तो अगर ये चीज़ आप मानते हैं ना कि हमको एक तरफ से न्याय नहीं मिला, अभी तक न्याय नहीं मिला हमको, हाईकोर्ट की जो हम सौंप दिए तो हाईकोर्ट का समझना देखिए क्या करना है। दूसरी तरफ आप ये भी थोड़ा आपको लगता होगा कि अगला आदमी जो हमारे विरोध जो जेल में है, मान लीजिए जो जेल में, उसको भी इतना समय हो गया, ना उसको सजा मिल रहा है, ना उसको छोड़ रहा है, ना कोई इंक्वायरी कर रहा है। वो तो बात सही है, अब उस तीन साल तक CBI आयकर कुछ नहीं कर पाई है। वो तो करना चाहिए, अब क्या कर रहे हैं वो लोग, हम तो कैसे, आप चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप इसको कैसे किस रूप में देखते हैं कि भाई, जैसे कि देखिए आप तो जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं है ना, जो लड़ाई तो आप तो हम जो लड़िए रहे हैं, जो आप कोर्ट में जो PIL किए आप कोर्ट का करते हैं तो हम कैसे करें, ये तो कोर्ट का काम है कि जो विजिलेंस जो CBI का जो भी सबमिट करके हम जो पेपर अटैच करके PIL में दिए हैं, हम तो अपना अपने तरफ से जो भी कागजात एकदम पुख्ता दिए हैं। अब ये हाईकोर्ट क्या कर रहे हैं वो तो हम नहीं कहते, सारा सिस्टम तम से अपना कागजात दे। आपका एक PIL में लिखा हुआ है कि इन अभियुक्तों के पास में जो हैं उसमें, हाँ हम भी नहीं जान रहे हैं कि कौन कौन आरोपी हैं, दो का ही नाम जानते हैं, मधु कोड़ा, दिनेश सिन्हा और इन शिक्का, इसमें है इनो शिक्का, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण राय, कमलेश सिंह, गृहमंत्री मधु कोड़ा जी, और भी अगर विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, आर भी है विजय जोशी, सब सारा ही सब है मैंने। आप उसमें एक चीज एक PIL में लिखे हैं, आप हो सकता है आपको जानकारी है कि नहीं है, एक PIL में आपने ये लिखा है कि विनोद सिन्हा का यहाँ यहाँ इतनी संपत्ति है, ये फैक्ट्रीज की है, ये माइन किसका है, ये माइन किसका, मधु कोड़ा के पास जकार्ता में कहाँ, लीबिया में, लाइबेरिया में कहाँ कहाँ लिखित है आपके, यहाँ यहाँ ये संपत्ति है, मतलब किसकी जानकारी है आपको कि मतलब वहाँ वहाँ मतलब है वो भी हम लोग का पेपर सबमिट किए हैं उसी में है टोटल, जो भी CBI को पेपर मिला है जो PIL के समय जो हम फाइल किए थे टोटल उसी में पेपर, हम तो लिखे नहीं, हाई लेवल का डॉक्यूमेंट कैसे आते, अभी हम नहीं बताएं कि जो भी मैंने हमको उस पेपर सबमिट करने में जो हमको सहयोग किए हैं, कौन मतलब कौन कौन से लोग, ताकि हम भी उनसे बात करेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाने में आपको मदद करेंगे, जब जो मतलब उनसे मिलेंगे ना, बोलेंगे ना कैसा, तो बात में हम क्योंकि नाम तो आप हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम तो इसलिए कि जो भी सहयोग किए हैं बहुत अच्छा काम करने के लिए किए हैं और हम आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ आती है समय से कि देखिए यहाँ पर तो सहयोगी तो पर्दे के पीछे है, हाँ दुनिया सहयोगी को नहीं देखती,
दुनिया सही दुनिया की नज़र में आप हैं, एक एक पेपर पर सिग्नेचर आपका है, इसलिए कि हैं कि अच्छा काम करने के लिए सहयोग भी का जरूरत होता है, इसलिए हम अच्छा काम किए सहयोग बाकी लोग किया। कल भविष्य में ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपका कोई इस्तेमाल, हम ये चीज अभी जो चर्चा कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे हो कोई, वो आदमी ने वो डॉक्यूमेंट दिया हो, तो वो आदमी को कोई जांच एजेंसी या न्यायालय तो नहीं पूछेगी ना कल फैसला के दिन आपसे पूछेगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो लगाया था ये जांच में गलत पाया गया, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर आपका है, आप लड़ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग कौन है नहीं है नहीं बताना चाहते हैं ठीक है, लेकिन एक ही मानिए वो तो नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा वो एडिटर प्रकाशक जी तो नहीं कर रहे हैं, जवाबदेही तो मेरी है, तो वो चीज़ को कैसे मैनेज कीजिएगा, आप समय आएगा तो देखिए, सच्चाई की लड़ाई है समझे, सच्चाई ये होता है, सच्चाई की लड़ाई सच्चाई, और हमारी जीत हो गई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारी जीत, आपकी जीत तो हो गई, आपका आगे भी जीत होगा, नहीं नहीं आपकी मान ली जीत तो हो गई, भविष्य में भी होगी, तय हो गई, तो वो लोग देख रहे हैं कि आपकी जीत हो गई, आपकी जीत ये हो गई कि सत्ता संचालन का सिर्फ प्रमुख मंत्री लोग आज जेल में है, बेल नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज तक देश में कोई जेल में है यार, बेल नहीं मिल रहा, और भी मंत्री जेल में जाएंगे समझे, हम आपने तो लड़ाई की शुरुआत नहीं की, हमने शुरुआत कर किए हैं, और भी मंत्री लोग जेल भेजेंगे, हम जो अपने सिस्टम से जो काम कर रहे हैं RTI के माध्यम से, जो भी सूचना के माध्यम से, और भी मंत्री को हम जेल भेजेंगे। देखिए इसमें एक आदेश आया है, बता रहे हैं आप अखबार में देखे होंगे, अखबार वाला भी पूरा लिखता नहीं है, हाँ वो अखबार उस आदेश में कहा गया है, ईडी का आदेश, कि मधु को पर आयकर विभाग ने पहला जब वो छापा मारा, क्योंकि उस केस का भी हम बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, कितना वो 40 लाख रुपए का आयकर छापा में पकड़ा गया, फिर 15 दिन के बाद फिर एक नोटिस आती है कि नहीं इनके पास 1,40,00,000 की संपत्ति है, आंकलन किया गया। इधर अभी तक CBI आयकर वालों ने न्यायालय में कुछ नहीं दिया, लेकिन इधर उसी के हवाले से ये खबर आती है, आयकर विभाग कहता है कि मधु कोड़ा पर 2300 करोड़ रुपया इनकम टैक्स, यानी 6,600 करोड़ रुपया इसको इनकम टैक्स पेनाल्टी का देना है। तो इस मुद्दे पर हम आपसे पर्सनल मतलब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको पर्सनल बातचीत ना, चूँकि अभी हमको बताए बहुत कुछ, तो हम जब जेल गए थे तो थोड़ा देर के लिए हमको मधु कोड़ा से मुलाकात करने का मौका, तो कौन नहीं चाहता कि तो बात हुई चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 6,600 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ इनकम टैक्स, मैंने मधु कोड़ा बोले, हाँ तो मधु कोड़ा किया होगा, सुनिए ना 4,100 करोड़ तब ना वो देने के लिए तैयार है, 4,000 से ज्यादा हो गया ना, हाँ तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैंने मधु कोड़ा बोला, हाँ, सजा भी झेलने के लिए तैयार, हाँ लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरी संपत्ति कहाँ कहाँ है, ये CBI सामने और आयकर वाले लाकर रख दे, उसका भी कहना सही है कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तो ये तो बताएगा ना कि मेरी संपत्ति कहाँ कहाँ है, अगर वो तो संपत्ति बताए न्यायालय में, न्यायालय हमको सजा देगी या फिर हमको न्यायालय बेल दे, मैं उसका पक्ष भी आपके सामने रखा। मान लीजिए कि उस व्यक्ति का कहना है कि मेरी संपत्ति अगर यहाँ यहाँ है, तो आयकर ईडी वालों ने अभी तक जब्त क्यों नहीं की, उसको जब्त कर लेना चाहिए, उसका भी कहना सदर की सही है। तो यहाँ पर पूरा ऐसा नहीं लग रहा कि जांच एजेंसी और न्यायपालिका पूरा उलझा कर रख दिया है सब, अभी सोचिए कि क्योंकि अब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आगे भी आपको ये लड़ाई लड़नी है और ये स्थितियाँ आती है, हाँ एकदम ये स्थिति तो एकदम
आज भी है, आगे भी लड़ाई आगे आएगी। तो इसको आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? जैसे कि देखिए, मधुपुरा बोल रहे हैं कि हमारा कहाँ कहाँ संपत्ति है, है ना? नहीं नहीं, वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि हमको जो कहे जो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले भाई इतना करोड़ की संपत्ति हमको तो कोई लाकर दिखाए कि मेरा यहाँ यहाँ संपत्ति है, और तो हम जो कहे करने के लिए तैयार हैं, या और उन्हें उसको जब्त करके ले, अगर मेरे नाम से नहीं है तो उसको जब्त कर ले, मेरे नाम से है तो कोर्ट में ला के दे दे, हमको जो सजा देना है जो दे दे। विनोद सिन्हा का संपत्ति का ब्यौरा आपको मैंने पूरा, हाँ विनोद सिन्हा का भी संपत्ति आपका पीएल से जाने हैं है? कि 6-7 जगह का जिक्र है, मांग एनओ से का देखबे कर रहे हैं, ये लोग का संपत्ति हाईकोर्ट अभी हवाई अड्डा के सामने, विनोद का घर कम से कम 1-8 करोड़ का कम से कम मान के चलिए, ये लोग का संपत्ति और मधुपुरा का संपत्ति नहीं रहेगी, ये बताइए तो आप। मतलब आपका कहना है? मतलब आपके कहने का सर, इन लोगों की जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सही का फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते, हम ना तो जांच एजेंसी है ना न्यायपालिका, हम अपना ये तो प्रश्न फाइल किए उसके सामने तो हम रख दें सारा सबूत। जब एनओ सेका का जो हो सकता है इतना करोड़ संपत्ति, तो मधुपुरा क्या नहीं हो सकता है? वो तो जो भी बीडी वाला सीबीआई वाला सारा ना जाते हैं, वो लोग ना करेगा, हम तो सारा डॉक्यूमेंट लगा दिए। लेकिन वो जांच क्यों नहीं हो पा रही? अब जांच क्यों नहीं हो पा रही तो हम कैसे कहें बताइए? हम अपने स्तर से तो पूरा दबाव डालें और सारा काम कर रहे हैं, आज भी आरटीआई के माध्यम, मतलब आपका एकदम दावा है कि मैंने जो प्रमाण रखा वो सही है? एकदम सही है, और आज भी सही। और दूसरा पक्ष का दावा है कि जो प्रमाण है जो गलत है, आईने के तरह दिख रहा है कि कहाँ कहाँ किनका किनका संपत्ति है, दूसरे पार्टी का कहना है कि गलत है, गलत है, तो बीच में जो आज भी बोलता है गलत है, आयकर वाले सीबीआई वाले आज भी बोलता है कि आज भी बोलता है कि दुर्गा राव दूसरे के माने दूसरे के तहत में चलता है और उन्हीं के माध्यम से पीआईएल फाइल करता है, आज भी हमको बोलता है। सारा सिस्टम को हम देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है, आज भी कोई भी गरीब जनता जाता है, मान लीजिए ये माने कोई आती माने जाति अवश्य, ये तो सारा सिस्टम फेल है, जान रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है कि आपने जो पीआईएल दर्ज किया था उसमें कितने लोगों के खिलाफ किया था आपने, याद है आपको? करीब ये तो सारा पहला हम लोग तो दुलाल भुइयां किए थे, है ना, जैसे कि दुलाल भुइयां हुआ, बंधु तिर्की हुआ, एक और कौन है भानु प्रसाद साई सब ने का, इसके बाद तो ये फिर 4-5 मंत्री में किए, चंद्र प्रकाश चौधरी ये सब है, अलग अलग सत्ता है, फिर एक ही नाम ये लोग मैंने मैंने कमलेश सिंह हरिनारायण सिंह अथी राय ये सब हरी इनोसेका हरी अथी मधु कोड़ा ये सब चार पाँच मंत्री एक में है सब, और ये लोग मैंने अलग से मैंने तभी मैंने टोटल तो लगभग कुल कितने लोगों के खिलाफ करीब 8 मन टोटल मिला के 8 था मंत्री, ये लोग 8-9 मंत्री था, और बाकी लोग है ये अधिकारी लोग है बहुत सारे लोग। कितना लोग करीब? उतना तो याद नहीं होगा, वही करीब 6-7 गो अधिकारी लोग जरूर होगा, मतलब लगभग 15 लोगों की 16 लोगों की हम भी मैंने भुला, कितना की याद करें? एक ही मामला पीआईएल के अनुसार हम बताते हैं, क्योंकि हम अध्ययन करते हैं, आपके पीआईएल के अनुसार 27 लोगों के खिलाफ 27 लोगों का नाम दिया गया है, एक बार में 20 लोगों का, 1 से 20 तक, जिसमें 1 से 14 तक अधिकारियों के नाम है और 14 से लेकर 20 तक मंत्री और से लेकर विनोद सिन्हा तक का नाम है।
मुख्यमंत्री का उस अग्निपुरा जी का उस तक का नाम नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में आपने PIM किया है, जिस नाम जोड़ते जोड़ते 27 लोग नाम जुड़े हैं, उन 27 लोगों में हमको भी पता नहीं है 5-6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब ये भी सवाल उठता है कि बाकी जो ये 19-20 लोग जो बच गए, आपका डॉक्यूमेंट तो सबके खिलाफ था, ये 19-20 लोग जो बच गए इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे आपने जैसे एनओ सिरका जी के साथ में CO का नाम ही दिया था, वो बच यहाँ का, तो उन लोगों के खिलाफ कर रहे यहाँ तो लगता कहीं ना कहीं यहाँ जैसे लड़ाई अधूरी ये जगह देखिए, हाँ अधूरी लग रहा है हमको, और ये भी लग रहा है सिस्टम, देखिए ये जगह देखिए सिस्टम फेल हो रहा है। मंत्री जेल जाता है, ऑफिसर लोग क्यों नहीं जाता है? ये जगह तो मान लीजिए जो भी मंत्री जाता है जेल, ऑफिसर लोग नहीं जाता, ये जगह तो हर मैंने मान लीजिए मधुकर काल में तो उर मंत्री गया, जो भी सरकार चरान है देख रहे हैं, ऑफिसर लोग का गाइडलाइन मंत्री लोग को करना चाहिए कि नहीं है? मेन तो सिस्टम सिस्टम अधिकारी चलाता है ना, अधिकारी ना जानता, मंत्री क्या है उसको तो साइन करना है, मुझे सिस्टम को देखना चाहिए जगह, मंत्री कोई भी मंत्री हो, IAS सचिव ये सब जाना चाहिए। एक चीज़ और हम आपको, क्योंकि हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, मेरा लक्ष्य होता है जानकारी लेना और देना, एक जानकारी ये दे रहे हैं कि आपने जो PIL किया था उसमें जिन जिन कंपनियों का आपने नाम लिया कि मधु कोड़ा ने ये MEO करके ये माइंस वाले को फायदा पहुंचा के इतना कमाया है, आपका PIL में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अधिकांश MEO और आमंत्रण अर्जुन मुंडा जी के लिए मिले, वो तो उतना कहने नहीं सकेंगे, मगर हम बता रहे हैं आपको जानकारी, सारा सिस्टम हम जानकारी हैं आपको, जिसमें हाल में ही की बात में बता, जो भी मैंने सिस्टम देख रहे थे कोड़ा जी का, वो तो विनोद सिन्हा देख रहे थे। नहीं, हम यहाँ पर आपको सब रोकेंगे क्योंकि रोकने का अधिकार है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो सबका पक्ष लेकर बात करेंगे, स्वस्थ रोकेंगे। सिस्टम में विनोद सिन्हा क्या था? एक दलाल, एक ब्रोकर हो सकता है, ब्रोकर समझ, लेकिन सिस्टम आप उनका सिस्टम विनोद सिन्हा, न तो मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्री, न किसी पार्टी का विधायक था, न किसी पद पर अधिकारी था, वो जस्ट फ्लैट एक दलाल, मान लीजिए सहयोगी, सहयोगी दलाल मान लीजिए पदर के लिए। बुश आदमी ने वही किया जो हर नेता के पीछे लोग करते हैं, हर नेता का सवाल यह है कि वो आदमी पर कार्रवाई हुई, अच्छी बात, लेकिन जो उस समय बड़े बड़े माइनिंग ऑफिसर थे, जो माइंस का काम अधिकारी देखते थे, जो और मंत्री मुख्यमंत्री को फैसला लेता था, अकेले नहीं लेता, सब मंत्री को बुला के लेता, उन लोगों के खिलाफ वही कार्रवाई। अगर मधु कोड़ा को पैसा दिया माइंस वालों ने तो सारे माइंस रद्द होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि मधु कोड़ा ने ये मतलब एग्जांपल के तौर पर हमको भी उतना जानकारी नहीं है ना आपको होगी कि मधु कोड़ा ने 25 या 50 माइंस गलत आमंत्रण किया पैसा लेकर, एकदम मधु कोड़ा ने तो गलत किया है, तो ये तो आज जेल में है, तो उन माइंस वाले को, वो माइंस के अधिकारी को या माइंस जो आज चला रहा उसको भी रद्द कर दिया जाना चाहिए, जैसे 2G में हुआ, राजा जेल गया तो जितने इसके रीजन में जो 2G का आवंटन हुआ था सब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यही तो होना चाहिए, तो कभी आपका ध्यान इस पर गया कि मान लीजिए जिस पर आरोप है जेल में, जितना चोर तो मैंने मान लीजिए जितना अफसर लोग किनारे किनारे रहता था, है ना? नहीं नहीं, अच्छा अफसर तो भी छोड़ दीजिए, किनारे रहता था, जिसको इन्होंने माइंस दिया
जिसको जिस उद्योगपति को इन्होंने खाम दिया लेकर, उन खानों का लाइसेंस या वो तो रद्द होना चाहिए। आज तक क्यों आज तक रद्द नहीं हुआ है? वो तो होना चाहिए। क्यों इस सरकार को लेना चाहिए? मतलब इसकी आप मांग करते हैं कि अविलंब रद्द की जाए? एकदम ये तो रद्द किया। और मधु कोड़ा के साथ साथ उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उस समय पदाधिकारी खनन विभाग में पदाधिकारी थे, अधिकारी थे और मंत्री भी थे। क्योंकि कुछ एक व्यक्ति को नहीं लूट सकता है, लूटने वाला रहेगा तो? वो तो लूटा, वो तो जान रहे कि जो भी सामने आया उसका उसका नाम दिया है। हाँ ये मतलब आपको कह रहे हैं कि अब जब मामला सामने आई, जब ये तथ्य सामने आएगा कि भाई मधु कोड़ा ने पूरा झारखंड लूट लिया, तो ओपनिंग मधु कोड़ा है सामने, उन्होंने पूरा झारखंड लूट लिया, 4000 किया, हम तो समझते 4 अरब हजार अरब कुछ लोग लूटा है, एकदम लूटा है, एक सच्चाई है। लेकिन इसका पहलू ये भी सच्चाई है कि ये पैसा जो लूटा, ये पैसा जो लूटा कोई ना कोई तो दिया, किसी के जेब से तो नहीं निकाल लिया, दिया होगा कौन? माइंस वाला दिया होगा, माइंस वाला जो माइंस, इसका मतलब वो माइंस का आवंटन गलत हुआ। तो अभी तक वो माइंस का जो गलत आवंटन हुआ वो रद्द क्यों नहीं हुआ? हाँ ये तो होना चाहिए था, ये तो सरकार को करना चाहिए कि इसको रद्द किया जाए। मतलब तो इसको लेकर आप PIA क्यों नहीं करते हैं कि साहब जितने उसके राज्य में जितने माइंस का आवंटन हुआ सबको रद्द कीजिए और सब अधिकारी को जेल भेजिए? हाँ ये तो होना चाहिए। और अगर सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति की कार्रवाई होता है, इसका मतलब कि हो सकता है कि खेत खाए गधा, सब मिल के गधा खा गया खेत, और जो कुर्सी पर था वो खाली मार खाएगा? जो सामने आता है वो तो लात खावे करता है। आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि मधु कोड़ा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ, आपकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। वो मधु कोड़ा भी हो सकता है, कल दूसरा भी हो सकता है, परसों तीसरा भी हो सकता है। आपकी लड़ाई है सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम कैसे खत्म हो। तो जब तक ये नीचे स्तर का या जो ग्रुप है उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो एक व्यक्ति को जेल में डालने से बंद हो जाएगा। अच्छा क्या आप मानते हैं कि मधु कोड़ा को जेल चले जाने से लूट हो खत्म हो गई? आज भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, और भी करप्शन बढ़ गया है। इसका कारण क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जो असली जिम्मेवार है, इसलिए कि हर कोई सोच रहा है कि अब तो वो लोग चल गया, अब हमारे पारी आ रहा है, बोल रहा है बाकी मंत्री लोग, बोल रहा जो भी आज सरकार में है वो तो फिर अगला मंत्री आएगा। हाँ अगला मंत्री आएगा, लेकिन मंत्री लोग तो आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग तो बेचारा, देखिए मामी नेता लोग बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, इसको सब बड़े बड़े अधिकारी ना चाहते हैं, वो तो अंग्रेजी में फाइल लिख के देता है और कहता है कि साइन करो, बेचारा ही और कुछ दे देता है, कर देता। तो वही ना, हम अभी क्या बोले कि मैंने सचिव मंत्री का PA सब कहे ना जाता है, सचिव जाना चाहिए, जितना IAS लोग को जाना चाहिए, ये जो कहे ना ऑफिसर लोग जाता है। तो मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें ये चीज को क्या आप जोड़ेंगे? कैसे ले जोड़ेंगे कि अधिकारी जिन पूंजीपतियों उद्योगपतियों को ये लोग फायदा पहुंचाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तुरंत? हम चाहते हैं कि जिस मंत्री है ना उनका सचिव जो अफसर रहते हैं उनको भी जेल जाना चाहिए। उस समय वो मंत्री जेल जा रहा तो अफसर कहे ना जाएगा जेल, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ है, वो तो उल्टा हो गया है। यहाँ पर चूँकि पूरा वो मामला, वो जो आपने PIL किया वो पूरा मामला कन्वर्ट होते 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 खान विभाग पर चली गई। हाँ खान विभाग पर गई। तो फिर हम इस सवाल को दोहराते हैं आपसे कि उन खानों को रद्द नहीं कर, उन खान को के पट्टा को लाइसेंस को क्यों नहीं अभी तक रद्द किया गया जिसको मधु कोड़ा ने फायदा पहुंचाया था? होना चाहिए ना कि उसके राज्य में जितने उसके 3 साल के उनके राज्य में जितने भी खनन पट्टन उन्होंने आवंटित किया सबको रद्द कर दिया जाता? आज भी मैंस बंद होना चाहिए, आज भी क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ आज तक मैंस। इसका मतलब मधु कोड़ा के जेल जाने से करप्शन नहीं रुकी? एकदम नहीं। यहाँ पर आप चूंकि करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो करप्शन की लड़ाई आपका तो हारता दिख रहा है। देखिए
जो भी हम लोग आप सिस्टम से काम कर रहे हैं और सिस्टम से लाने की कोशिश हर व्यक्ति की कर रहे हैं, हर अफसर को। लड़ाई अभी हारे नहीं है। मान लीजिए अब आबर ट्रिप में मैंने और भी मंत्री लोग जा सकता है। नहीं, अच्छा, हमको जहाँ तक कुछ स्रोतों से जानकारी मिलती है, हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं। एक पत्रकार का काम ही होता है हर तरह के लोगों से मिलना और हर तरह लोगों से बात करना। एक अपराधी के बारे में जानना होता है तो कुछ अपराध भी करना पड़ता है, एकदम मानिए। तो वहाँ पर एक चीज सामने आता है, बात जो सही है उसका भी तर्क है, उसका आपको जवाब देना होगा आज न कल। आप या कोर्ट में देंगे या मीडिया में देंगे, इसकी भी आप तैयारी कीजिएगा। कि लोगों का ये कहना है, आप पर भी उंगली ये उठती है, आप पर भी ये उंगली उठता है, इसका जवाब आपको देना है, आज दीजिए या कल दीजिए, जब दीजिए। कि साहब आप तो CIL करते हैं बहुत लोगों पर, कार्रवाई होती है टारगेट लोगों पर, बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं इसके पीछे कोई ऐसा दिमाग तो नहीं है जो मैनेज कर रहा हो सारे लोगों को और कुछ लोगों को? वो कैसे करेंगे, वो तो मान लीजिए कि एक से उदाहरण है, ये सवाल कल मीडिया वाले भी करेंगे आपसे, न्यायालय भी कल कर सकती है, जांच एजेंसियां भी कल कर सकती है। कि आप PIL अभी मान लीजिए कि आपने 27 लोगों के खिलाफ किया, कार्रवाई 5 लोगों के खिलाफ हुई, 25 लोग किस आधार पर बच गए? जबकि आपने ही कहा कि मैंने सारे लोगों के खिलाफ एविडेंस दिया है, प्रमाण दिया है। आप कहें ना कि हम सारे लोगों के खिलाफ दिए हैं, बंधुत्री के खिलाफ भी दिए हैं, भानु देहतियों के खिलाफ दिए हैं, क्या और को जितना उन अधिकारियों के खिलाफ भी दिए हैं, जैसा कि आपका एक नेट पर डाला हुआ है इंटरनेट पर हाईकोर्ट के फैसले में कि आपने एनोश एक्का जी के जमीन का पेपर तक आपने दिया है। तो एनोश एक्का पर कार्रवाई हुई, जांच हुई, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई जांच क्यों नहीं हुई जिसने मोटेशन किया, जिसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना दिया, निवास प्रमाण पत्र बना दिया? सबके खिलाफ मामला ये एक आती है कि एनोश एक्का हो, मधु कोड़ा हो, विनोद सिन्हा तो चूंकि पॉलिटिक्स में है नहीं, वो तो अलग आदमी है, वो इंडस्ट्रिस्ट है, वो व्यवसायी है, वो आदमी विनोद सिन्हा इज एक व्यवसायी, उस हर व्यवसायी होता है जहाँ फायदा नहीं, अपने फायदे के लिए वो काम करता है, बिजनेसमैन का काम होता है। उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम में वो है भी नहीं, उसका न्यायालय कार्रवाई अलग करेगी, सजा अलग देगा, वो हमारे जो शासन तंत्र से वो अलग आदमी है, उसको जो भी सजा देना है, जो भी करना है, वो लोग राम जाने या रहीम जाने। आपने उसके खिलाफ एविडेंस दिया है अपना सब, उसको ना कोई अधिकारी बचाने आएगा ना कुछ कर्मचारी बचाने आएगा। लेकिन ये लोग जो हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग, ये लोग तो जेल गए, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग नहीं गए। नहीं।